नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या होत असलेल्या चुकीच्या कामाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून याबाबत केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र पाठविले आहे। जळगाव शहरातून मार्गक्रमित असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण, उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग ही नवीन बांधकामे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणातर्फे करण्यात येत आहेत, परंतु आकाशवाणी आणि इच्छादेवी चौकात सुरू असलेल्या चौफुलीच्या ठिकाणी महामार्गाची सेंटर लाईन निश्चित करताना चुकीच्या पद्धतीने मोजमाप करण्यात आल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी केला आहे। जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त तसेच तापी महामंडळ विभागाचे कार्यकारी संचालक यांना दिनांक 4 रोजी पत्र पाठवून ही चूक निदर्शनास आणून दिली आहे, मात्र प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे। आपल्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेऊन चूक दुरुस्त करण्यात यावी यासाठी गुप्ता यांनी आता थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाच पत्र पाठविले आहे। 76 कोटी रुपये का खर्चा होने वाला है, या आधा से ज़्यादा खर्चा हो गया, लेकिन अधिकतर जगह पे जो है ना सेंटर को धर के 60 मीटर का रोड होना चाहिए, लेकिन है ना इन्होंने बनाते समय मेरा ये आरोप है कि नखाचों में बराबर बनाया हुआ है, लेकिन जगह पे अगर 75 होगा तो किधर 52 है, किधर 55 है, उन्हें कम ज़्यादा रोड किया हुआ है। और कम ज़्यादा रोड करने के बाद कई अगर हम इसी जगह की बात करें इच्छा देवी चौक की, तो ये इच्छा देवी मंदिर है, ये मंदिर है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी में, उसके बाद में सर्विस रोड होना चाहिए था, उसके बाद में मेन रोड होना चाहिए था, तो सर्विस रोड की जगह पर ही मेन रोड बना दिया हुआ है। मतलब इनके जो सलाहकार है इनको सही सलाह नहीं दे रहे, या वो सलाहकार बोगस है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी ये मांगनी है कलेक्टर साहब को, मैंने माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय नितिन गडकरी साहब को, माननीय कलेक्टर के मार्फत सबके मार्फत मैंने माननीय नितिन गडकरी साहब को निवेदन दिया हुआ है और कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया है कि ये कर्ज इनका वापस से त्रस्त से एजेंसी पर्पज देना पूरा मोजमाप होना चाहिए, प्लस है ना सर्विस रस्ते के लिए ना जो जगह है वो अभी ही की जा सकती है, सर्विस रस्ता होना चाहिए और इनके ऊपर त्रस्त एजेंसी के मार्फत जाँच करके इनको कार्रवाई होनी चाहिए। श्री स्वामी समर्थ फायनान्शियल सर्व्हिसेस जळगाव, शेती कर्ज, पीक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, व्यावसायिक कर्ज, तारण कर्ज आणि विविध कर्ज सुविधा उपलब्ध। श्री स्वामी समर्थ फायनान्शियल सर्व्हिसेस, गोलाणी मार्केट, जळगाव।